हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एबीसीडी सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बसीराम माथ खान। दोस्तों, आज SWR का PVC पाइप का मेंटेनेंस वर्क जो टी फिटिंग कैसे होता है वो दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब जमीन जो है जमीन नीचे दब गया है और जमीन दबने के वजह से पाइप जो है देखिए टी क्रेक हो चुका है, पूरा क्रेक हो चुका है, नीचे जा चुका है। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, जो नीचे गया है और क्रेक हो चुका है पाइप, पूरे एल्बो नीचे गया है। अब इधर कटिंग करके मुझे फिटिंग करना है, टी भी निकालना है क्योंकि टी टूट गया। अब फिटिंग कैसे करते हैं चलिए देखिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो कमेंट शेयर ज़रूर करके बताइएगा ट्रिक कैसा लगा। तो चलिए दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ दोस्तों देख लीजिए, टी तोड़कर निकाल चुका हूँ, लेकिन पाइप जो है आपको जैसा को ऐसे ही रखना पड़ेगा, पाइप वगैरह तोड़ना नहीं है आपको। ओके, सब पाइप जो परफेक्ट है। ये जो है इधर कपलिंग वाला पाइप था तो खुल चुका है, खोल लिया हूँ, वो फिर से वापस फिटिंग कर दूँगा। लेकिन ये जो पाइप है आपको परफेक्ट वैसे ही रखना है, बिल्कुल उस सब तोड़ना नहीं है, देख कर खोलना है। बाकी इसमें टी टूटा हुआ है, ये क्या करूँगा, नीचे जो कपलिंग जितना बड़ा है उतना बाद दे दूँगा, उसके बाद नीचे वहाँ कटिंग करना पड़ेगा। ओके, यहाँ कटिंग करके उसमें कपलिंग फिटिंग करूँगा और टी कैसे फिटिंग करूँगा आगे आपको बताते हैं। यहाँ से ब्लेड मार के ऐसा लेवल में कटिंग कर लूँगा, थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन यहाँ फिर आप लोगों को बहुत सारा टिप्स पता चल जाएगा। चलिए बनते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करना है देख लीजिए, यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ जो मैं कटिंग किया थोड़ा ज़्यादा कपलिंग की वजह से, जो मैं बताया था कटिंग उतना होना चाहिए था। ये जो आपका टी जा रहा है इसमें फिटिंग हो रहा है ये पाइप में, ओके, उसमें होने से ऐसे आपको रखना है। रखने के बाद जितना लेवल आएगा उसका ठीक 10 mm गैप आएगा, 10 mm गैप रखिएगा, हो जाएगा आपका काम। उसके बाद क्या करना है आपको, जितना इधर का ऊपर वाला पाइप फिटिंग है, ठीक है, जब भी आप ऐसे मेंटेनेंस काम करो पहले ऊपर से लेके इतना आपको फिटिंग करना है। कैसे करना है, सबसे इस सब फिटिंग करने से पहले आपको कपलिंग जो है देख रहे हो, कपलिंग का पूरा लेवल कर लिया। अब कपलिंग करने का जो लेवल करने का सिस्टम, जो एक फाइल होता है, जो आप जो पहला वीडियो इसका पोस्ट कर दिया हूँ, अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर एंड स्क्रीन में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे कपलिंग ये हुआ जाता है। और बाकी भी फेसबुक में आने वाला है इसका वीडियो, फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उधर कुछ अलग वीडियो दिखाने वाला हूँ इसके मैटर में। ओके, तो चलिए बने रहिए, आगे दिखाते हैं। और इसका एक वीडियो बनाया हूँ जो आपका डिस्क्रिप्शन में आएगा या फिर एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या करना है, इसे फाइल से आपको ऐसे सफाई करना है जो मैं बता दिया हूँ। और बाकी इस सब भी जो है आप लोग देख रहे हो, इस सब ये जो इस सबको फाइल में ऐसे घिस के, ताकि वायसर कटे ना पाइप का, इस सबको घिस के ऐसा पूरा मस्त कर लेना है। जो इसमें तो ऑलरेडी पहले का है, और इस सब देख लो कैसे घिस के मैं ये कर लिया। और ये देख लीजिए, पाइप को पूरा सफाई कर लेना है, जो मैं पहले ये पाइप पूरा गंदा था, इसमें कलर वलर लगा हुआ था, ये सफाई कर लिया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक वायसर है नीचे की साइड में, सिर्फ लगाइए, उसके बाद लुब्रिकेंट जो है पूरा थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा इसमें। ओके, क्योंकि ये जो है आपको काम दिखाता हूँ अभी आपको, फिर समझ में। और कभी भी कपलिंग करने के बाद, मतलब इसको जो आपका बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा आप। ओके, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होएगा, आप देखेंगे नहीं, फिर बाद में कर लेंगे काम, लुब्रिकेंट वुब्रिकेंट लगा के फिर जाएगा नहीं। यहाँ पर इसे लुब्रिकेंट लगा देना है आपको पूरा अच्छे तरीके से, थोड़ा ज़्यादा लुब्रिकेंट लगेगा, या फिर आप इसका यूज कर सकते हो, एरोलाइट का यूज कर सकते हो। वो 10 मिनट टाइम लेता है सूखने में, लेकिन वो सॉल्यूशन से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है 10 मिनट बाद। ओके, उसका यूज कर सकते हो। और इसमें भी आपको लगा देना है थोड़ा थोड़ा पूरा अच्छा से, ताकि स्लीपिंग अच्छा करे, क्योंकि अब जब फिटिंग करने के बाद आपका दिक्कत होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ फास्ट करके। माफ करिएगा, थोड़ा मेरा चाइनीज वाला लुब्रिकेंट हो चुका है, नीचे से फट गया कैसे, इसकी वजह से डब्बा नहीं खोलना पड़ा। अब सबसे पहले ये फिटिंग करना है आप। ओके, ये पूरा आ गया है, ये पाइप पूरा आ चुका है। ओके, यहाँ पूरा आर पार कर दिया, बॉर्डर जो है पूरा नीचे तक आ गया पाइप, ये देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है। आप ये जो है इस सब फिटिंग कर लेना है,
कैसे गिरेगा, गंदा तो भाई कुछ करने का पता ही नहीं, तो आप लोग लाइक भी करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद क्या करना है, इसे थोड़ा दबाई करना है, इसे डबल आनी चाहिए। लेकिन अभी आजा भाई कैमरा मैन बने, क्या करें, अकेला अकेला करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर केवल लाइन जो है इसमें सेफ करना पड़ेगा, सिंपल लुकिंग देखिए। अगर आपको ऐसे लाइन समझ में नहीं आता तभी तो बोल के देख सकते हो, एक बार गर्म होगी कोई नहीं, ऐसे आपको स्ट्रेट देख के बाद आप देख लीजिए पूरा अंदर जा चुका है, शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख रहा है, देख लीजिए पूरा अंदर जा चुका है। आप क्या करना है इसमें जो है आप देख रहे हो, आप भी चौंक गए ना, मैं भी ऐसे चौंक गया था। मतलब ये जो है नेक्स्ट डे का वीडियो है, आप लोगों को बता देता हूँ। वहाँ से काम खत्म होने के बाद कुछ कैमरा मैन डिस्टर्ब हुआ था या कुछ भी हुआ था पता नहीं था, मैं काम करते जा रहा था, कैमरा मैन ऐसे ही कैमरा लेके था, उसे भी पता नहीं चला जो वीडियो ऑफ हो चुका है। तो इसके बाद का कोई वीडियो नहीं है, इसके बाद में मैं पक्का आप लोगों को ऐसा वीडियो फिर से बना के दिखाऊंगा। मतलब क्या सिस्टम हुआ है मुझे भी पता नहीं है, मैं घर पे जब जाके देखा वीडियो एडिटिंग करने लगा तो और मिला नहीं, तो यहाँ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मैं समझा सेम कपड़ा पहन के जाऊँगा और काम करूँगा फिर से खोल के, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ देख लीजिए आप, ये जो जगह है आप प्लेस देख रहे हो, कल का जो देख रहे थे ये गीला था, आज सूखा है, ये आज का नहीं है, अगर तुरंत का रहता तो ये गीला रहता। ये नेक्स्ट डे आगे फिर से बना रहा हूँ जो आप लोगों को बताने के लिए, माफ़ करिएगा थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो चुका है कैमरा में, नहीं तो आप लोगों को सही मैं बता देता फिटिंग कैसे किया था। नेक्स्ट टाइम जरूर पक्का आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, फिर भी आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखिए और ट्रस्ट करिए, ये काम जो है पक्का ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ बताऊँगा वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर, आप देख लीजिए ये पूरा नीचे था जो मैं ऊपर उठाया, आप लोगों को काम करते करते वक्त दिखाया था, ये नीचे था पूरा उठ गया 50% उठाया और यहाँ फिटिंग हो गया, सॉल्यूशन दिया है सातों जन्म में तुझे जो बोल रहे थे ना, वो सॉल्यूशन से ऊपर से फिटिंग हुआ है, तो इसके वजह से निकल नहीं रहा है। आज ट्राई किया था लेकिन निकल नहीं रहा है। अब इसमें और क्या चीज़ है, नीचे जो है आप सॉल्यूशन से नहीं उठाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन से लगाएंगे तो आपका टाइम जाएगा, इस सब फिटिंग करेंगे फिर उठाएंगे, उस वक्त तक सूख जाएगा, आप उठा नहीं पाएंगे। ओके, तो इसमें लुब्रिकेंट दे सकते हो या आप जो है एरालाइट दे सकते हो, नहीं तो फिर आपका और कुछ नहीं है। और हाइड्रोलिक वाइसर होता है, रिंग वाला कपलिंग लगाना है, जो लूज कपलिंग होता है जो विदाउट रिंग, वो मत लगाइएगा, वो लगाइएगा तो आपका क्या होएगा, आप नीचे लगा देंगे फिर उठाने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होएगा, उठेगा नहीं ऊपर। रिंग वाला लेंगे, नीचे वाइसर लगाइएगा लुब्रिकेंट से या फिर एलाराइट जो है उससे लगाकर उठा दीजिएगा, आपका फिटिंग हो जाएगा। आप इतना छोटा वीडियो था, माफ करिएगा कुछ भी है, वीडियो अच्छा रहता है जो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मैं नहीं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। यहाँ पे देखो कुछ हो या ना हो, ये भाई टकले हो गए, टकले के लिए एक लाइक तो बनता है, ऐसा टाक पीट के लाइक मारो या कुछ भी मारो पर लाइक मार दो, बहुत मेहनत का काम करते हैं भाई।